डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू डिसकस वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड द कॉन्सेप्ट इज़ ऑनलाइन हेट स्पीच आज कल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का जहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ पर इंफॉर्मेशन सीकिंग के लिए इस्तेमाल होता है यानी आप सोशल uh, मीडिया के थ्रू डिफरेंट न्यू सोशल टाइज डेवलप करते हैं वहीं पर एक इसका नेगेटिव यूज़ है सोशल मीडिया का और वो यह ये है कि सोशल मीडिया इज़ बींग यूटिलाइज टू प्रमोट हेट स्पीच इन द सोसाइटी सो व्हाट इज़ द हेट स्पीच हेट स्पीच इज द एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू विच इंटरनेट यूजर्स अटेंड टू विलीफाई ह्यूमिलेट और इनसाइड हेट अगेंस्ट आ ग्रुप और क्लास ऑफ पर्सन ऑन दी बेसिस ऑफ फेस रिलीजन स्किन कलर सेक्शुअल आइडेंटिटी जेंडर आइडेंटिटी एथनिसिटी डिसबिलिटी और नैशनल औरजन जब आप एज आ सोशल मीडिया यूज़र किसी दूसरे सोशल मीडिया यूज़र के ख़िलाफ़ कोई uh, नफ़रत अंगेज़ uh, पैगाम शेयर करते हैं जो कि uh, जिसकी बुनियाद ये होती है कि उसकी एथनसिटी uh, ये है या उसकी जेंडर ये है या उसका रीजन ये है या उसका कलर ये है तो उसको हेट स्पीच माना जाता है ऑनलाइन हेट स्पीच पोजेस अ ग्रेट थ्रेट टू ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड तो uh, हम अगर देखें तो uh, जो नेगेटिव इंपैक्ट हैं सोशल मीडिया यूजेज के ऑन सोसाइटी तो उसमें से ये एक सबसे बड़ा इम्पेक्ट है कि सोशल मीडिया पर हेट स्पीच बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जब ये हेट स्पीच बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो इसकी वजह से जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो किसी भी कंट्री के सिटीज़न को हासिल होते हैं तो उनकी आ, आ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ह्यूमन राइट वाइलेट हो रहा है और इसी तरह ये जो ग्रुप्स होते हैं जो ऑनलाइन हेट स्पीच को परपैचुएट करते हैं या इसको एक ट्रेंड बनाते हैं वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट को और स्टेट्स को जो कि इट इज़ अ काइंड ऑफ थ्रेट टू डेमोक्रेसी ऑनलाइन हेट स्पीच कैन इंसाइड पीपल फॉर वायलेंट एक्ट्स रिसर्च से हमें ये फाइंडिंग्स मिलती हैं कि जैसे हेट स्पीच बढ़ती है वैसे वैसे जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उनमें टेंडेंसी टू कमेंट अ वायलेंट एक्ट बढ़ती है और टाइम जो हेट स्पीच सोशल मीडिया पे शेयर हो रही होती है तो उसी की बेसिस पे वायलेंट एक्ट्स कमेंट हो जाते हैं आ, और किसी की जान भी चली जाती है इसका अगर हम देखें पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में एक आपको बहुत बड़ी एग्जांपल मिलती है जो वली ख़ान यूनिवर्सिटी Uh, चारसदा कैंपस में, uh, में एक वाक़ हुआ और जिसमें एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ द हेट स्पीच शेयर्ड ऑन द सोशल मीडिया सो ऑनलाइन हेट स्पीच कैन स्टे ऑनलाइन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन डिफरेंट फॉर्मेट्स अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स ये जो ऑनलाइन हेट स्पीच है इसकी एक जो बड़ी इम्प्लीकेशन ये है कि एक दफ़ा आपने इसको स्टार्ट uh, कर दिया इनिशेट कर दिया तो ये मल्टीपल फॉर्मेट्स में फॉर्मेट्स में काफ़ी अर्सा तक सरफेस होती रहती है ऑनलाइन वर्ल्ड uh, में और किसी भी वक्त दोबारा प्रोपोगेट होना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से वायलेंट एक्ट्स जो है इन uh, जो हो, हो सकते हैं सोसाइटी में और एक तरह से बार बार uh, जो है हेटेड uh, 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 किसी पर्टिकुलर ग्रुप या इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ uh, uh, जो है सरफस होकर आ सकता है ऑनलाइन हेट स्पीच इज़ डिफिकल्ट टू स्टॉप वन वी टॉक अबाउट द ऑनलाइन हेट स्पीच कंट्रोल मैकेनिज्म, सो इट इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट प्रोसेस और ईशू टू एड्रेस इट तो इसको स्टॉप करना बहुत मुश्किल है इसके ऊपर uh, जो है स्ट्रेटजीज uh, बन रही हैं कि कैसे ऑनलाइन कंटेंट को जो है uh, हम बैन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर पर फिर इसके ऊपर डिफरेंट इम्प्लीकेशनस आ जाती हैं कि इससे जो है कम्यूनिटी राइट्स ह्यूमन राइट्स वायलेट ना हो होनानोमस यूज़र प्रोफाइल्स कैन बी यूज़ टू ट्रिगर हेट स्पीच तो होता क्या है कि जब ऑनलाइन हेट स्पीच इनिशिएट की जाती है किसी भी ग्रुप और इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ तो अनानस यूज़र्स प्रोफाइल यूज़ किए जा रहे होते हैं और ऑनलाइन हेट स्पीच एक स्ट्रेटजी भी है साइबर वारफेयर की जिसमें आपकी जो एनिमी स्टेट्स हैं वो इसको एज अ टैक्टस यूज़ कर रही होती हैं कि आपके जो नेशनल इश्यूज़ हैं उस पे डिवाइड क्रिएट की जाए और जैसा कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो इश्यूज़ लोकल इश्यूज़ होते हैं तो उनके जब लोकेट किया जाता है तो उसमें जो इंडियन ग्रुप्स हैं जो रा फंडेड ग्रुप्स हैं जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं आउटसाइड फ्रॉम द पाकिस्तान उनका हाथ निकलता है और पिछले कुछ सालों में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स को बैन किया गया है जो राफ हंड्रेड थे और सोशल मीडिया पे हेट स्पीच फैला रहे थे